नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका 7 अगस्त 2020 की इस वर्कशीट में। आज आपको एक ही वर्कशीट आई है, छोटी सी वर्कशीट है तो सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 8 की ये वर्कशीट है तो सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम और अपनी टीचर का नाम। एक फ़ोटो मुझे वर्कशीट में आज दिखती है जिसमें दो अलग अलग परिवार हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला मेरा परिवार ए है और ये मेरा परिवार बी है। परिवार ए में मुझे दिखता है कि मम्मी है, पापा हैं, बच्चा भी है और उसकी बहन भी है, और चारों लोग एकदम सुखी से हैं। ऐसे परिवार को, जो कि छोटा परिवार होता है, इसको हम कहते हैं एकल परिवार। और आजकल तो दिल्ली में बहुत सारे एकल परिवार हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दादा दादी गाँव में रहते हैं, परंतु कुछ जगह दिल्ली में आपको संयुक्त परिवार भी देखने को मिलेगा। संयुक्त परिवार में आपको मिलते हैं दादा दादी और साथ ही साथ चाचा चाची भी, और कुछ परिवारों में तो ताऊ जी और ताई जी भी मिल जाती हैं, और साथ ही में मिलते हैं पापा, मम्मी, बहन और उसका भाई। तो ऐसे परिवार जो कि बड़े परिवार होते हैं उनको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। अब देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है आज का। वो कहते हैं कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार, यहां पर दो परिवार के चित्र दिए हैं। जिस परिवार में केवल माँ, पिताजी और भाई बहन होते हैं उस परिवार को एकल परिवार कहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि भी होते हैं। चित्र को देखकर परिवार के सदस्यों के नाम तथा रिश्ता सोच कर लिखिए। तो अगर परिवार को देखें तो मैं एक काम करता हूँ, चित्र में ही सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चित्र में अगर देखें तो ये हैं पापा यानी कि पिताजी, ये हैं मम्मी। अब अगर आप लड़का हैं तो ये हुआ भाई और ये हुई बहन, ये हो गया आपका एकल परिवार, छोटा परिवार। अब बात करते हैं बड़े परिवार की। तो बड़े परिवार में सबसे पहले होते हैं ये, और ये हैं आपके दादाजी। फिर आती हैं ये, और ये हैं आपके दादी जी। फिर ये हो गए आपके ताऊ जी, और ये हो गई आपकी ताई जी। अब कई लोग इनको बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी बोलते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। ये आ गए आपके पापा, और ये आ गई आपकी मम्मी, और ये नीचे एकदम प्यारी सी बहन, और ये हुआ भाई। तो ये सभी मैंने रिश्ते लिख दिए। अब आपके परिवार में इन लोगों के क्या क्या नाम हैं, देखो वो तो आपको अपने आप ही लिखना पड़ेगा कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो बच्चों, आपके सामने हमने वर्कशीट सॉल्व कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न तो हमने कर लिया सॉल्व, अब आता है मेरा परिवार। तो दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाकर रंग भरिए तथा उनके नाम व रिश्ता भी लिखिए। परिवार में अधिक सदस्य हों तो क्या लाभ होते हैं, तो पहले हम लाभ लिख लेते हैं। लाभ क्या होते हैं, अधिक सदस्य होने पर साथ में रह सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो अधिक सदस्य होने का मतलब है कि साथ में रहना होगा, साथ ही साथ दादा एवं दादी का
प्यार, और इसके साथ साथ क्या होगा? परिवार में एकता, परिवार में एकता बनी रहेगी। और इसके अलावा क्या फायदा होगा? इसके अलावा फायदा होगा कि मौज मस्ती भी ज़्यादा होगी। तो ये मैंने लिख दिए चार पॉइंट कि बड़ा परिवार होने के फायदे क्या होते हैं। अब देखिए, जो एक और प्रश्न रह गया था वो कैसे करना है। तो दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाना है। तो बच्चों ये आंसर लिख लीजिए, फिर मैं आपको दो चित्र दिखाता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। ये आंसर फटाफट लिखिए। चलिए, आपने आंसर लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकल परिवार। अगर आपका परिवार एकल परिवार है तो आप ऐसा चित्र बनाइए। देखिए कितना सुंदर परिवार है, तो आप ऐसा चित्र भी बना सकते हैं। पर अगर आपकी है संयुक्त फैमिली, बड़ी फैमिली, तो आप लिख बना सकते हैं ये वाला चित्र जो कि आपके डायग्राम में बना हुआ था। तो आप देख लीजिए, आपको ये बनानी है या फिर ये बनानी है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट तो ख़त्म हुई। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।